डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद उनके समर्थकों ने अपना गुस्सा मीडिया पर भी निकाला। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद डेरा के समर्थकों और गुंडों ने मीडिया के ऊपर हमला किया। डेरा समर्थकों ने आज तक और टाइम्स नाउ के चैनल की ओबी वैन पलट दी और उसमें आग लगा दी। मीडिया कर्मियों और उनकी दूसरी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। मीडिया संगठनों ने इस हमले की निंदा की है। 3 साल पहले भी इसी तरह की हरियाणा में एक डेरा प्रमुख बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के समय उनके समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के ऊपर हमला किया था। बहरहाल शुक्रवार की घटना पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने चिंता जताई और इसकी निंदा की। एसोसिएशन ने सीबीआई अदालत के फैसले के बाद पत्रकारों और कैमरामैन पर डेरा अनुयायियों के हमले करने और उनकी ओबी वैन का नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की निंदा की है। एसोसिएशन ने मीडिया कर्मियों पर हमले को मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले बताते हुए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री से स्थिति को नियंत्रित करने का अनुरोध किया ताकि मीडिया बिना किसी भय के अपने कर्तव्य को अंजाम दे सके। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।